नमस्कार, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ एमएस वर्ड के अंतर्गत होम टैब और होम टैब का आखिरी दो ब्लॉक, पहला है स्टाइल और दूसरा है एडिटिंग। आज के क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला मैं बता दूँ कि बहुत बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे सपोज कीजिए 20-25 पेज में है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसमें से किसी एक कैरेक्टर या एक वर्ड को फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड, ये पार्टिकुलर कैरेक्टर या पार्टिकुलर वर्ड इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कितना बार इस्तेमाल हुआ है, तो उसे आप एक क्लिक में सर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में 500-1000 पेज ओपन करके रखे हुए हैं, अब सपोज कीजिए कि आप 1000 नंबर पेज नंबर पे हैं और आपको जाना है 5 पेज नंबर पे, तो आप स्क्रॉल को ऊपर नीचे करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। आप एक बटन प्रेस करेंगे और सीधा जिस पेज नंबर पर चाहते हैं उस पेज नंबर पर जा सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है, तो आज के टॉपिक को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। देखिए, इससे पहले आप पढ़ाई तो बहुत किए होंगे, लेकिन हमारे बुलसाई एडवेंचर्स के चैनल पर जो आपको एजुकेशन मिल रहा है ये 100% प्रैक्टिकल है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया में कहीं भी अपने रियल लाइफ में कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहे हमारे आने वाले वीडियो से और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एमएस वर्ड के होम टैब में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टाइल और एडिटिंग, ये दोनों ब्लॉक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टाइल को आपको समझाते हैं, ये स्टाइल का क्या काम है। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि डॉक्यूमेंट बनाते हैं इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर, अब ये सेलेक्ट करते हैं Ctrl+A से। अब देखिएगा जैसे ही हम अलग अलग इसमें स्टाइल चूज करेंगे, जैसे अलग अलग सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा, गौर से डॉक्यूमेंट पे देखिएगा ध्यान से, इसमें चेंज होगा। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे देखिए चेंज हो रहा है, ये हमारे डॉक्यूमेंट के स्टाइल को चेंज करता है। इतना ही नहीं, आप इस पे नीचे जा करके और भी बहुत सारा स्टाइल है, आप इसमें से किसी भी एक स्टाइल में रख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये अच्छा लग रहा है इसमें रख लीजिए, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है आपको दूसरा लेना है तो इसमें से कोई भी स्टाइल आप चाहे तो चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को रखना है। चलिए सपोज कीजिए हम इसी में रख लेते हैं, तो ये स्टाइल का सिर्फ ये काम है कि हमारे डॉक्यूमेंट को पूरे तरह से अच्छे से सजाने का काम करता है। अब अगला है उसके बाद एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का क्या काम है, फाइंड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। देख लीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज का शॉर्टकट की अगर आपको देखना हो तो उसके सामने पॉइंटर ले जाइएगा तो उसका नाम और उसका शॉर्टकट की दोनों आपको बता देगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें सर्च करना है, सपोज कीजिए कि इसमें सर्च करना है राम, तो सर्च करना है, या इसमें सर्च करना है वो कितने जगह है, तो कुछ नहीं, आप सेलेक्ट कीजिए Ctrl+A से और इसमें जाने के बाद आपको जाना है फाइंड में। फाइंड ऑप्शन में जाने के बाद फाइंड पे क्लिक कीजिए, या नहीं तो आप कंट्रोल के साथ F प्रेस कीजिएगा तो भी आ जाएगा। फाइंड ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं O। जैसे ही वो सर्च करेंगे देखिए जितने भी वो होंगे वो सारे के सारे वो यहाँ हाईलाइट हो गए। फाइंड का काम होता है खोजना, किसी भी एक कैरेक्टर या किसी भी एक वर्ड को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइंड का। चलिए यहाँ पे आप देते हैं ऑन, जैसे ही हम ऑन देंगे तो जितने भी ऑन होंगे देखिए हाईलाइट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आप इसमें से कोई भी, जैसे आप वीडियो देना चाहते हैं इसमें वीडियो, अब इसमें जितने भी वीडियो वाले वर्ड हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। यानी किसी भी लेटर, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी वर्ड को आप अगर इसमें से फाइंड करके खोजना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइंड का, जिसका शॉर्टकट की होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं, Ctrl+F। जैसे ही Ctrl+F प्रेस किए यहाँ पे फाइंड का मेनू खुल चुका है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इस डॉक्यूमेंट में जो मैटर है उसी मैटर में से आप कुछ सर्च कीजिएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे आप सर्च कीजिएगा बुलसाई, अब इसमें बुलसाई सर्च कीजिएगा तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बुलसाई इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है। जो इसमें अवेलेबल होगा वही इसमें काम करेगा। चलिए यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। अब अगला जो इसमें ऑप्शन है फाइंड के बाद, इसी में एक ऑप्शन है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड को समझाने से पहले मुझे दो चीज़ समझाना होगा, एक रिप्लेस और दूसरा गोटू। चलिए पहले रिप्लेस को समझते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H।
शॉर्टकट की मतलब कि यदि उस ऑप्शन को इनेबल करना है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, तो या तो उस ऑप्शन पे जाइए, नहीं तो उसका शॉर्टकट की भी अगर आप प्रेस कर देते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्या करना है हमें, सबसे पहले कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें से किसी एक वर्ड के जगह पे, जैसे सपोज कीजिए इसमें जितने भी ऑन होंगे उस सभी ऑन के जगह पे मुझे द का यूज करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद या जितने भी ऑन है उस सभी के जगह पे मुझे बुलसाई रखना है। कोई भी वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस पे जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है फाइंड व्हाट और दूसरा है रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट मतलब कि किसके जगह पे, और रिप्लेस विथ में वो लिखेंगे जिसको बदलना है। जैसे सपोज कीजिए इसमें जितने भी ओ है ओ के जगह पे हमें बुलसाई लिखना है, तो ओ सबसे पहले फाइंड व्हाट में लिख देंगे, फाइंड व्हाट में हम राइट लिख दिए वो, और रिप्लेस विथ में लिखेंगे बुलसाई, किसके साथ बदलना चाहते हैं तो बुलसाई, यानी कि जितने भी इस डॉक्यूमेंट में ओ है उस सभी कैरेक्टर के जगह पे क्या हो जाएगा, बुलसाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिएगा, यस कीजिए, पूरा का पूरा आपका जितना भी ओ था वो सब किस में बदल चुका है, बुलसाई में। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन बुलसाई है, तो कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड ऑप्शन को सर्च कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए बुलसाई, BULLSAI, बुलसाई सर्च करके इंटर बटन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पहले कंट्रोल जेड से, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसे अंडू बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल के साथ जेड दबाते हैं, अंडू होता है, एक एक स्टेप पीछे जाएगा, और एक एक स्टेप अगर आगे आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे जिसे रीडू बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए बुलसाई है, सारे को सर्च करना है, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस कीजिए, यहाँ पे अब सर्च कीजिए, आपको क्या सर्च करना है, बुलसाई, बुलसाई प्रेस करके इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे, देखिए जितने भी बुलसाई हैं सारे हाईलाइट हो चुके हैं, ये है आपका बुलसाई। आगे आते हैं, अगला हमारा जो है रिप्लेस में एक और चीज़ है, जैसे आप सपोज कीजिए कि पूरे के पूरे को आप ओ को बुलसाई में नहीं कन्वर्ट करना चाहते, किसी किसी को बदलना चाहते, तो उस केस में क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस का ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पे है रिप्लेस, अब बारी बारी से रिप्लेस करने का ऑप्शन आएगा, जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, एक सेकेंड, ये तो पूरा रिप्लेस पूरा सेलेक्ट है, आप सीधा पहले कंट्रोल प्लस एच प्रेस कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आइएगा फाइंड व्हाट में ओ, अब आप कीजिएगा रिप्लेस, तो सबसे पहले ओ जो है सेलेक्ट हो चुका है, फिर रिप्लेस कीजिएगा, उसको नहीं उसको बदल देना है तो बदल दीजिए, यहाँ पे बदल चुका है, फिर उसके अगला जो आगे वाला जो है वो आएगा सामने, रिप्लेस करना है रिप्लेस कर दीजिए, फिर उसके आगे वाला जो है वो कर दीजिए, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके रिप्लेस होते जा रहा है, ये रिप्लेस होते जा रहा है, रिप्लेस होते जा रहा है, जैसे जैसे आप रिप्लेस करेंगे वैसे वैसे ये रिप्लेस होते चला जाएगा। चलिए यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं। तो और अगर आप किसी को, जैसे इसमें सपोज कीजिए किसी ओ को आप रिप्लेस नहीं करना चाहते, जैसे कोऑर्डिनेट में जो है वो उसको छोड़ना चाहते हैं, तो फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, वो छोड़कर आगे बढ़ेगा, उसे भी छोड़ना चाहते हैं फिर फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा, आगे जाएगा, फिर उसे भी छोड़ना चाहते हैं फिर आप क्लिक कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसे करके आप अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड नेक्स्ट के माध्यम से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से इसे करते हैं क्लोज, कंट्रोल इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत ही अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है गोटू। देखिए गोटू का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब आपको समझाते हैं गोटू का काम क्या है। जैसे चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी एक पेज खुला हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, कितना पेज है, एक, ऐसे नहीं, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे पेज नंबर भी मैं लगा देता हूँ, इंसर्ट में आगे आपको पढ़ाएंगे, यहाँ इंसर्ट टैब में पेज नंबर लगता है, वहाँ से मैं पेज नंबर लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। चलिए अभी एक नंबर पेज खुला हुआ है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे जितना बार उतना बार पेज खुलेगा। चलिए अभी मैं पेज खोल ले रहा हूँ आपके सामने, कितना पेज खुल चुका है, 25। चलिए मैं 25 पेज नंबर पे हूँ, अब मुझे जाना है 21 नंबर पे, 21 नंबर पेज पे जाना होगा तो क्या करेंगे, अब आप कहेंगे चलो स्क्रॉल को ऊपर करते चलो, चलो ठीक है भाई 21 पे चले जाएंगे क्योंकि ये पास में है नंबर, लेकिन यदि आपको और ज्यादा नंबर, हम ओपन कर देते हैं पेज नंबर का,
अब देखिए कितना नंबर ओपन हो चुका है, 53। अब 53 पे है, कोई बोलेगा डायरेक्ट 5 पे जाना है, तो आप स्क्रॉल से जाते जाते आपका टाइम किल होगा, बहुत टाइम बर्बाद होगा, आप इरिटेट भी हो जाएंगे। तो आप इरिटेट ना हो, आपका टाइम किल ना हो, इसके लिए एक ऑप्शन है इसमें गो टू का। किसका ऑप्शन है? गो टू। गो टू में जाएंगे, गो टू में, गो टू का शॉर्टकट होता है Ctrl+G। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा इंटर पेज नंबर, किस पेज नंबर पे आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो पेज नंबर है वो 53 है, मुझे जाना है 25 पे, 25 टाइप कीजिएगा। और गो टू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको 25 नंबर पेज पे ला दिया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, स्टेटस बार में ऑफ के बाद जितना नंबर होगा समझिएगा उतना नंबर टोटल पेज खुला हुआ है, और ऑफ से पहले जितना होगा समझिएगा कि उतना नंबर पेज पे अभी हम हैं। अभी 53 पेज खुले हुए हैं, 25 नंबर पेज पे मैं हूँ। अब 25 नंबर से मुझे जाना है 45। क्या करेंगे? Ctrl+G, यानी कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे और उसमें टाइप करना है 45। जैसे ही आप 45 इसमें टाइप करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका देखिए सामने 45 पेज पे आप चले गए हैं। और 45 पेज पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर भी देख लीजिए, 45 पेज नंबर पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि चलिए सर 53 पेज खुला हुआ, हम 70 पेज पे जाएंगे, तो देख लीजिए भाई, कंट्रोल के साथ जब आप जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे 70 पेज नंबर डालेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप 70 पेज नंबर पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पेज मात्र ओनली 53 ओपन है, तो 70 पेज पे आप कैसे जा सकते हैं। तो यदि इससे ज़्यादा नंबर आप टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो लास्टली इस नंबर पे ला के आपके आपको छोड़ देगा। चलिए, यहाँ तक गो टू तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन उसमें हम लेते हैं, गो टू के अंतर्गत ही अगला ऑप्शन है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में क्या है, आइए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इसमें तीनों ऑप्शन एक ही बार में आता है। यदि फाइंड का काम करना है तो फाइंड वाले पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस का काम करना है तो रिप्लेस वाले में क्लिक करेंगे, और गो टू का काम करना है तो गो टू वाले में। चलिए तीनों काम एक ही बार में हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इक्वल टू RAND। चलिए ये डॉक्यूमेंट बना लिए, एक पेज और ओपन कर लेते हैं, एक पेज और, चार कुल मिलाकर चार पेज ओपन हो चुका है, देख लीजिए यहाँ। अभी हम चार नंबर पेज पे हैं, अभी एक नंबर पेज पे आते हैं। सबसे पहले जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें फाइंड करना है, तो Ctrl+F, यहाँ पे आपको सर्च करना है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम सर्च करना चाहते हैं ए, जितने भी ए लेटर हाईलाइट हो चुके हैं, फाइंड का काम हो चुका है। अब फाइंड का काम यहाँ से हो चुका है, अब उसी ऑप्शन से एडवांस फाइंड में चलते हैं। एडवांस फाइंड में भी फाइंड ऑप्शन है, इसमें भी फाइंड, पहले वहाँ से फाइंड का काम करना सिखा दिया, अब एडवांस फाइंड में यहाँ पे हमको ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी। बी जैसे ही प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, देख लीजिए जितने भी बी हैं आपके सामने वो हाईलाइट हो चुके होंगे। इसको थोड़ा सा साइड करके हम दिखाते हैं, बी हाईलाइट है, संजोग से एक ही बी है इसमें, तो बी एक ही हाईलाइट है। चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दूसरा लेटर लेता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे इसलिए ओ लेते हैं, क्योंकि ओ पर्याप्त मात्रा में है इस डॉक्यूमेंट में। ओ देखिए यहाँ पे फाइंड इन कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी वो है सारे वो सेलेक्ट हो चुके हैं, और फिर आप इसे Ctrl+Z से हटा भी सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन में एडवांस फाइंड में आपने फाइंड करना सीखा, उसी फाइंड ऑप्शन में जब आप जाएंगे एडवांस फाइंड में, रिप्लेस है तो रिप्लेस का काम, और गो टू वाले में गो टू का काम सीख सकते हैं। जैसे रिप्लेस में ओ की जगह पे मुझे द चाहिए, द, और उसके बाद रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके, सारा का सारा रिप्लेस हो चुका होगा। जाके देखिए जितने भी ओ हैं सारे द में चेंज हो चुके हैं, देख लीजिए द द द द द। अब उसी में अगला चीज़ है गो टू फाइंड, एडवांस फाइंड में जाना है, और एडवांस फाइंड ऑप्शन में जाने के बाद मुझे जाना है गो टू ऑप्शन पे। गो टू ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि कितने नंबर पेज पे जाना, तो अभी चार पेज नंबर खुला हुआ है मुझे, मैं हूँ कितने नंबर पेज पे, तो मैं अभी हूँ 1 नंबर पेज पे, मुझे जाना है 2 नंबर पे। चलिए 2 प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, देख लीजिए आप 2 नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं। यानी एडवांस फाइंड में तीनों ऑप्शन का काम एक ही बार में कर सकते हैं। चलिए ये यहाँ तक का आपका एडिटिंग ब्लॉक का चैप्टर, यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में हम लोग पढ़े फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू और रिप्लेस। फाइंड का शॉर्टकट की Ctrl+F, रिप्लेस का शॉर्टकट की Ctrl+H, गो टू का शॉर्टकट की Ctrl+G। एडवांस फाइंड के अंतर्गत आपका सारा तीनों ऑप्शन आता है, फाइंड का भी, रिप्लेस का भी और गो टू का भी। उसके नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सिलेक्शन।
ये तो आपको मैं बता दूं इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट के साथ 9 इंटर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कीजिएगा, सेलेक्ट में जाइएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंटर बटन पहले प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट ऑल कीजिए, पहले हो चुका है। आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया एमएस वर्ड के अंतर्गत, होम टैब के अंतर्गत दो ब्लॉक स्टाइल और एडिटिंग, इसके जितने भी ऑप्शन थे एक एक ऑप्शन के पूरे डिटेल में मैंने क्लियर किया, कवर किया। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को शेयर करें ताकि वो भी इस एमएस वर्ड के पूरे क्लास को पूरी डिटेल में समझ सके और अपने नॉलेज को गेन कर सके। आज का क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के साथ अगले वीडियो में।